नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजेबी इंडिया के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो की टॉपिक आप देख ही रहे होंगे कि पीपीएससी स्टाफ नर्स का जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है उसकी अगली तारीख 23 अगस्त 2022 को है तथा केस स्टेज अप फॉर एडमिशन के लिए एडमिटेड कर दिया गया है। डेट फिक्स कर दी गई है। इस हेतु 18 जुलाई को आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके लिए 45 दिन से भी ऊपर का समय था आयोग के पास। 18 जुलाई को आयोग का तर्क था कि कमेटी ने रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है, एक हफ्ते का समय लग सकता है। दोस्तों, क्या 10 मई से लेकर 18 जुलाई के बीच का समय कम था? 45 दिनों की मांग की थी आयोग ने 9 मई को इस कार्य हेतु, किंतु लमसम 70 दिन व्यतीत हो गए, फिर भी कमेटी अपने दायित्व को पूरा नहीं कर सकी। आयोग समय से रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने में असफल रहा। दोस्तों, 18 जुलाई को जब केस की हियरिंग 23 अगस्त के लिए की गई थी तो केस को ऑर्डर के लिए एडमिट कर दिया गया था, किंतु कुछ ही घंटों में केस स्टेज को ऑर्डर से बदलकर फॉर एडमिशन कर दिया गया। जब ऑर्डर के लिए डेट फिक्स की गई तो ऐसा लगा सब कुछ क्लियर हो गया है, लंबा समय फैसले को लिखने के लिए लिया गया है, किंतु बाद में जब फॉर एडमिशन कर दिया गया तो अब 23 को ऑर्डर हो भी सकता है तथा नहीं भी, दोनों बातें हो सकती हैं। एडमिशन हियरिंग में हो सकता है 23 अगस्त को फैसला हो जाए, पर यह भी हो सकता है कि कुछ हियरिंग और चले। फैसला कैसे आ सकता है, क्या हो सकता है, इसको जानने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि केस स्टेज होता क्या है, क्या क्या चरण है। दोस्तों, सबसे पहले फाइलिंग, फिर हियरिंग। हियरिंग भी दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एडमिशन हियरिंग, फाइनल हियरिंग। दोस्तों, हाई कोर्ट में हियरिंग सामान्यतः ज़्यादा चलती है, हियरिंग पर मैटर ज़्यादा चलता है। एडमिशन हियरिंग, दोस्तों एडमिशन हियरिंग केस की एक ऐसी स्टेज है जिसमें जज या यू कह लीजिए कि कोर्ट हियरिंग करती है इस उद्देश्य से कि केस में कोई इम्पोर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट्स, तथ्य, इशू या कोई मुद्दा है कि नहीं, जो कि विधिवत अर्थात डिटेल्ड में हियरिंग की आवश्यकता है, जो फाइनली हियरिंग की जरूरत है, आवश्यकता है। इस प्रकार की हियरिंग एडमिशन हियरिंग कहलाती है। दोस्तों, सीधा सीधा कहे तो यह एक फिल्टरिंग है, स्क्रीनिंग प्रोसेस है, यह देखने के लिए कि जो केस है, जो याचिका है, इसको फाइनली एडमिट करना चाहिए या नहीं, केस में डिटेल्ड हियरिंग की ज़रूरत है कि नहीं, या फिर इस केस को केवल एडमिशन स्टेज पर ही निपटाया जा सकता है। दोस्तों, इस सारी प्रक्रिया को स्टेज फॉर एडमिशन हियरिंग कहा जाता है। एडमिशन हियरिंग पर कुछ पॉसिबिलिटी होती है। पहली संभावना यह होती है कि एडमिशन स्टेज पर ही केस को हियरिंग के समय या हियरिंग के बाद कोर्ट को अगर लगा कि केस में कोई पॉइंट नहीं है, कोई लीगली मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से केस को पेंडिंग करें या एडमिट करें, तो हाई कोर्ट उसी वक्त एडमिशन स्टेज पर ही केस को डिसमिस कर देगा। अगर कोर्ट को इस स्टेज पर केस में कोई दम नहीं दिखा तो कोर्ट उसी समय मामले को खत्म कर देगा। दूसरी संभावना यह है कि एडमिशन स्टेज पर केस को हियर करने के बाद, वकील को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है या कोर्ट कन्विंस हो जाता है कि इस केस में कोई अच्छा पॉइंट है जिसको डिटेल में हियरिंग की आवश्यकता है और एडमिशन स्टेज पर कम समय पर केस को सुना नहीं जा सकता, तो केस को हाई कोर्ट फाइनल हियरिंग के लिए एडमिट करके रख सकता है। यह एक शॉर्ट ऑर्डर के द्वारा होता है, जज उसी वक्त शॉर्ट ऑर्डर पास करते हैं, एडमिट या इसको रूल भी कहते हैं, तो रूल भी कर सकते हैं, अर्थात केस अभी एडमिशन स्टेज पर नहीं सुना जाएगा, इसको फाइनली डिटेल में ही सुनना पड़ेगा। जब इस प्रकार का आदेश ऑर्डर हो जाता है तो केस फाइनली हियरिंग के लिए लिस्टिंग कर दी जाती है, अर्थात केस फाइनल हियरिंग के लाइन में लग जाती है। तीसरी संभावना पॉसिबिलिटी है एडमिशन स्टेज पर कि एडमिशन स्टेज पर ही हाई कोर्ट केस को डिटेल में हियरिंग करके फाइनली खत्म कर सकता है। इसे फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस एट एडमिशन स्टेज कहते हैं। जो तीसरी पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, यह किसी कानून में लिखी हुई बात नहीं है, यह कोर्टों ने खुद ही इवॉल्व की हुई प्रोसीजर है जो कि पब्लिक अर्थात जनता की बेनिफिट के लिए है। दोस्तों, यह तीसरी पॉसिबिलिटी बीच का रास्ता है, यह जरूरी नहीं कि एक ही हियरिंग में यह हो जाए, इसके लिए कई तारीखें भी पड़ सकती हैं, महीनों भी लग सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की कोशिश यह होती है कि जल्द से जल्द एडमिशन स्टेज पर ही निपटाकर कोई ऑर्डर या जजमेंट दिया जाए। दोस्तों, यह पॉसिबिलिटी रहती है एडमिशन स्टेज पर केस की। एडमिशन हियरिंग स्टेज पर ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, जब हाई कोर्ट फाइनल हियरिंग के लिए केस को एडमिट करता है तो वो फाइनल हियरिंग स्टेज होती है।
फाइनल हियरिंग में समय ज़्यादा लगता है सामान्यतः एडमिशन हियरिंग से ज़्यादा, क्योंकि अन्य हियरिंग के साथ ही फाइनल हियरिंग भी बोर्ड पर लगती है, तो जैसे जैसे समय कोर्ट को मिलता है वैसे वैसे फाइनल हियरिंग कोर्ट करता है। समय की उपलब्धता पर ही निर्भर रहता है फाइनल हियरिंग, अतः इसके लिए मानसिक रूप से तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वह याची हो या प्रतिवादी। कुछ समय से लेकर कुछ साल भी लग जाता है फाइनल हियरिंग में। फाइनल हियरिंग में डिटेल्ड हियरिंग होकर केस को डिस्पोज किया जाता है जजमेंट द्वारा, और यह स्टेज जजमेंट की होती है। इस तरह से केस का प्रवास होता है हाई कोर्ट में। दोस्तों, दो मुख्य स्टेज होती है हियरिंग की, एडमिशन हियरिंग, फाइनल हियरिंग। मगर दोस्तों, साथ साथ एक छोटी सी स्टेज भी होती है, ऑर्डर मैटर हियरिंग स्टेज। जब केस एडमिशन स्टेज या फाइनल हियरिंग स्टेज के लिए पेंडिंग है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि केस में छोटी छोटी सुनवाई की जरूरत पड़े। केस के अंदर कोई छोटी सी सिविल एप्लीकेशन लगा दी स्टे के लिए या एक कंटिन्यूशन ऑफ डिले के लिए, तो वह छोटी छोटी एप्लीकेशन की हियरिंग के लिए जो केस लगती है, एप्लीकेशन फॉर हियरिंग के लिए वह लगती है ऑर्डर मैटर स्टेज पर, और ऑर्डर मैटर स्टेज पर ही उनका निपटारा भी किया जाता है। यह निपटारा मुख्य केस का निपटारा नहीं होता है, छोटे छोटे ऑर्डर पास करके इन छोटी छोटी एप्लीकेशन को ख़त्म किया जाता है। ऑर्डर मैटर के लिए केस तब लगती है अगर केस में कोई डिफेक्ट है, वह रिमूव नहीं होता है, तो रजिस्ट्री हाई कोर्ट के सामने वह केस रख देती है, ताकि हाई कोर्ट या तो ज़्यादा समय दे केस पर, या उसी समय कोई निर्णय लेकर केस डिसमिस कर दे। ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो इस तरह जनरली तीन स्टेज है, एडमिशन हियरिंग, फाइनल हियरिंग, ऑर्डर मैटर हियरिंग, और इसके बाद फाइनल स्टेज आती है जजमेंट की। केस में एडमिशन स्टेज पर अगर कोर्ट फाइनली डिस्पोज ऑफ केस करना चाहता है, तो या फाइनल हियरिंग स्टेज पर दोनों पार्टियों को सुनने के बाद जजमेंट दिया जाता है, कोई ना कोई ऑर्डर या फाइनल जजमेंट दिया जाता है, और उसी द्वारा केस खत्म होती है। दोस्तों, केस की फाइलिंग, हियरिंग, एडमिशन हियरिंग, फाइनल हियरिंग, ऑर्डर मैटर हियरिंग, जजमेंट, इस प्रकार से एक केस की जर्नी होती है। आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो से केस की जो स्टेज है फॉर एडमिशन, यह बात अच्छे से समझ में आई होगी, तथा आगे क्या हो सकता है यह भी आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो को पूरा पूरा देखा होगा आपने, तो सभी तथ्य आप समझ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर आप नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी, नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।